सब्सक्राइब कीजिए सेघंट चैनल को और दबा दीजिए इस घंटी को ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेनोवो P2 का कोका कोला टेस्ट, जो कि यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार इस फ़ोन के साथ हो रहा है। और ये देखिए, टच जो है वो बिल्कुल ओके है, इसका डिस्प्ले काम कर रहा है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हमारा कोका कोला का टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब इस फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हालत हुई है इस फ़ोन की। और फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो चला गया है। अब हम इसे साफ कपड़े से साफ कर लेते हैं और इसे हम दोबारा ऑन करने की कोशिश करते हैं, क्या यह ऑन हो पाएगा या नहीं। अच्छी तरह साफ करने के बाद अब हम पावर बटन को ऑन करेंगे, लेकिन ये फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इस फ़ोन की बैंड बच चुकी है अच्छी तरह। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये फ़ोन जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यह फ़ोन वाटर टेस्ट में भी फेल हो गया था और इसे हमने चावलों में रख दिया था, जहाँ पर ये ओके हो गया था। तो अब फिर दोबारा हम ट्राई करते हैं, इसे चावलों में रखते हैं, और क्योंकि चावलों की प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन की, और इसे हम दो दिन बाद निकालेंगे। और दो दिन बाद निकालने के बाद देखते हैं क्या यह पहले की तरह जो वाटर टेस्ट था उसमें फ़ोन ऑन हो गया था, क्या ये कोका कोला टेस्ट के बाद ऑन होगा या नहीं होगा। तो चलिए पावर ऑन करके देखते हैं। और ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि कम्प्लीटली डेड हो चुका है ये फ़ोन। तो दोस्तों, आपको एक ही सलाह है मेरी कि आप जो कोक है, कोका कोला है, वो खुद पीजिए, अपने दोस्तों को पिलाइए, अपनी फैमिली को पिलाइए, लेकिन कभी भी अपने फ़ोन को मत पिलाइए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टेम्पर्ड ग्लास कैसे लगा सकते हैं लेनोवो P2 पर, और वो भी विदाउट एनी बबल्स। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।